पहले मैं आपका एक जवाब दे दूं कि जब प्रधानमंत्री ही झूठ बोलें तो कौन सी पुलिस उनके खिलाफ FIR करेगी? जब प्रधानमंत्री ही फेक न्यूज फैलाने वालों को फॉलो करेंगे तो कौन सी पुलिस FIR करेगी, मुझे बता दीजिए। तो जब सरकार ही फेक न्यूज को या फेक तस्वीर को एक तरह से ऑथराइज करने लगे, मान्यता देने लगे, तो पुलिस उसके खिलाफ नहीं कार्रवाई कर सकती, क्योंकि हमारी पुलिस उस तरह से नहीं बनाई गई है। उसकी उसी मानसिक और उसकी जो भी है तैयारी नहीं है। तो हमें इस बात को देखना चाहिए कि वो सिर्फ न्यूज़ नहीं है। जब आप एक बड़े से गैदरिंग में ये कह देते हैं कि भगत सिंह से मिलने कोई नहीं गया, तो वो एक झूठ है, और वो एक सामान्य झूठ नहीं है, वो बहुत सोच समझ के बोला गया एक झूठ है। और इस झूठ से मिलता जुलता बहुत सारे ऐसे झूठ हैं जो आपके अंदर एक नागरिक के भीतर एक बेस तैयार करते हैं। मैं कहता हूं कि क्या इस झूठ के बगैर आप प्रधानमंत्री को नहीं पसंद कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसके बगैर भी उन्हें आप देख सकते हैं, उन्हें गले लगा सकते हैं। पर मैं ये समझना चाहता हूं कि उन्हें इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है। एक बात है, आज ज़रूर दुनिया में फेक न्यूज़ का दौर रहा। फ्रांस में एक 19वीं सदी की बात है कि देफ्रू अफेयर्स बड़ा फेमस अफेयर्स है। तो उसमें होता यह है कि फ्रांस की सेना बहुत ख़राब प्रदर्शन कर रही होती है, तो जो उसका कप्तान है एक देफ्रू, वो यहूदी है, और उसके खिलाफ एक अफवाह फैलाई जाती है कि इसने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जर्मनी की सेना को दे दी हैं, जिसकी वजह से हमारी स्थिति ख़राब हुई है, और उसे देशद्रोह की सज़ा दी जाती है। और लेकिन जब बाद में पता चलता है कि नहीं, इसने नहीं किया, जो आर्मी चीफ था उसने इस तरह की अफवाह फैलाई है, तो अपने सेना के इंटरनल पॉलिटिक्स का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए भी ये हुआ था। और यहीं से पब्लिक इंटेलेक्चुअल का एक रोल उभरता है प्रिया, कि पहली बार ऑथर्स राइटर्स उस यहूदी के सपोर्ट में आते हैं कि चूंकि ये आपके देश का माइनॉरिटी है तो आप इसे स्वाभाविक तौर पे इसे देशद्रोही शक नहीं कर सकते, आप प्रमाण दीजिए। हाँ, तो उसका क्या असर होता है? आप जाकर, अब ले चलता हूँ मैं आपको अमेरिका, 2016 एक दिसंबर को एक खबर वेबसाइट पर छपती है कि हिलरी क्लिंटन पीडोफाइल हैं और लड़कियों के साथ यौन अत्याचार करती हैं। तो ये खबर छपती है और ये खूब वायरल होती है, जहाँ पे जिस वेबसाइट पे बताया जाता है कि वाशिंगटन DC में ये होटल है, रेस्तरां है, पिज्ज़ा का रेस्तरां है, और इसके बेसमेंट में बच्चों को बंद करके रखा गया है। फिर वो कई बहुत दूर के इलाके का एक आदमी उठता है और अपने दोस्तों से कहता है कि हमें बच्चों को बचाने चलना चाहिए। हाँ, ये कहानी मैं क्यों बता रहा हूँ, आपको अभी तुरंत समझ में आएगी ये बात। तो वो उसके दोस्त मजाक उड़ा देते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा हमने कभी सुना नहीं है, और बचाने हम कौन होते हैं जाने वाले। लेकिन वो आदमी उठता है और एक सेमी ऑटोमेटिक बंदूक लेता है और उस रेस्तरां में पहुंचता है। पहले वो बेसमेंट खोजता है, उसको बेसमेंट नहीं मिलता है, लेकिन जहां सामान रखा हुआ है, रसोई का राशन का सामान, उसको गोली मार के दरवाज़ा तोड़ता है। फिर पीछे जाता है तो बच्चे हैं लेकिन खेल रहे हैं, मगर वहां पर बेसमेंट नहीं मिलता, पर वो किसी को मारता नहीं। आप नॉर्मल हो गए कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई। लेकिन इसी अक्टूबर में क्या होता है कि एक नौजवान उठता है, और क्योंकि उसे एंटी मुस्लिम, एंटी यहूदी इतना फीड किया गया है लगातार पिछले 2 साल के अमेरिका में, कि वो सिनेगॉग में जाता है जहां अपनी पूजा अर्चना के लिए यहूदी लोग जमा हुए हैं, और उनको गोलियों से भून देता है। उसी के साथ एक और आदमी है सीजर, जो उसकी नौकरी चली गई है, बेरोजगार है, कहां तो उसको नाराज़ होना चाहिए था अपनी सरकार की आर्थिक नीतियों से या सरकार से, लेकिन लगातार नफरत के मैसेजेस के कारण वो वैन में रहता है, उसके पास अपना घर भी नहीं है, तो पूरा जो यहाँ जो व्हाट्सएप का जो मीम होता है उससे उसने अपने कार को पूरा स्क्रीन पे छाप रखा है कि मुझे हिलेरी क्लिंटन से नफरत है, मुझे CNN से नफरत है, ट्रंप जो है वो भगवान का अवतार है, ये सब है, और वो 14 ऐसे लोगों को पार्सल से बम भेज देता है। तो बिल्कुल ये संभव है, पहले भी फेक न्यूज़ के आधार पर अमेरिका ने स्पेन पे अटैक कर दिया था, एक नाव में, एक जहाज में, बेड़े में खुद से धमाका होता है, लेकिन अफवाह फैलाई जाती है कि फेक न्यूज़ की स्पेन ने अटैक किया है और अमेरिका ने 19वीं सदी के दौर में उस पर हमला किया है, तो लोगों को फांसी की सज़ा दी गई है, हमला किया गया है। अब अंतर ये आया है कि हम बड़े स्तर पर ये खेल कर सकते हैं, हम बड़े स्तर पर एक साथ लाखों लोगों को सहमत कर सकते हैं और उनमें से 1-2 लोगों को ट्रिगर कर सकते हैं। जैसे 10-20 लोग उसी फेक न्यूज़ के मटेरियल से बने हुए हैं जो जाकर पहलू खान या किसी को मार देते हैं और बाकी लोग उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक, लेकिन वो नहीं देखते हैं कि एक बच्चा चोरी का अफवाह होता है तो वही सिस्टम काम करता है और वही लोग जाके हिंदू को भी मार देते हैं। तो एक तरह से एक पॉसिबिलिटी आपके अंदर बनाई गई है कि हम जब चाहें इस क्राउड को मैंने एक तरह से प्रोग्राम कर दिया है, इसका रेफरेंस पॉइंट बदल दिया है। जैसे आपसे कहा जाए कि जर्मनी से क्या याद आता है,
तो आप तुरंत कहेंगे कि हाँ 1930 हिटलर का जर्मनी है और वो कंसंट्रेशन का कैंप है ऑशविच है। आज सुबह ये किताब पढ़ रहा था तो वो नोबेल प्राइज विजेता हैं 2002 के, तो वो समझा रहे हैं कि कैसे पूरा रेफरेंस पॉइंट बदल दिया गया। आपको उसके पहले का जर्मनी मालूम नहीं है कि उसका पहले का जर्मनी कितना अच्छा था, उसके बाद का जर्मनी मालूम नहीं है, लेकिन वो एक जर्मनी मालूम है। तो पूरा आपका रेफरेंस पॉइंट बदल जाता है, जैसे इस वक्त हो रहा है हिस्ट्री के जरिए कि जैसे आज़ादी के समय के इतिहास को आप कॉन्ट्रोवर्सियल बना रहे हैं, आप चैलेंज नहीं कर रहे हैं। चैलेंज करते तो आप सोर्सेज के साथ किताबें लिखते, सेमिनार करते, बात करते, लेकिन टीवी डिबेट में जाके कभी कहते हैं कि इस पटेल ने अन्याय कर दिया, तो कभी कहते हैं नेहरू ने पटेल के साथ धोखा दिया। ऐसा लग रहा था कि जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के साथ मिलकर अंग्रेजों से नहीं पटेल और बोस से लड़ रहे थे। हाँ, और इन लोगों के खिलाफ, क्योंकि पटेल और बोस को सेटल करने के लिए 10 साल जेल में रहे, नेहरू को और कोई काम नहीं था। तो ये, और ये नहीं बताया जाता है कि उनकी जीवनी में, आप राजमोहन गांधी की जीवनी पढ़िए तो बड़ा ही मार्मिक क्षण है। 12 दिसंबर 1950 को डॉक्टरों के कहने पे पटेल को जाना पड़ता है मुंबई, क्योंकि यहाँ का जो ठंड है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं वो। तो जाते वक्त जवाहरलाल नेहरू शाम को मिलने आते हैं, कहते हैं कि जाने की कोई ज़रूरत नहीं है सरदार, हम सब आपका ख्याल रखेंगे, आप यहीं रहिए। लेकिन सुबह उनसे एनवी गाडगिल मिलने आते हैं और वो कहते हैं कि मुझसे एक वादा करो, मैं अब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाला हूँ। तो एनवी गाडगिल कहते हैं कि हाँ कहिए, मैं वादा करता हूँ। तो सरदार पटेल गाडगिल साहब का हाथ अपने हाथ में लेकर कहते हैं कि हिंदी में तो मैंने यही पढ़ा था कि मेरे बाद जवाहर अकेला हो जाएगा, तुम उसका साथ मत छोड़ना। और जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि उसमें ये लिखा है राजमोहन गांधी ने कि पंडित जी के साथ तुम्हारी जो भी डिफरेंसेस हों तुम उनको छोड़ना मत। तो जो आदमी जिसको हम इस तरह से बाइनरी में प्रेजेंट कर रहे हैं, अपने आखिरी दिन में 15 दिसंबर को उनका निधन हो जाता है और वो जा रहा है, तो हम फेक न्यूज़ को सिंबलाइज करते हैं। कैसे? आपने वो मूर्ति बना दी। मूर्ति आप बना सकते थे, लेकिन वो मूर्ति बनाने की प्रक्रिया क्या है? उस पूरी प्रक्रिया में 4 साल में आपने पटेल को नेहरू के बरक्स खड़ा किया, छोटा बड़ा करके फिर उसको सिंबलाइज किया, तो वो मूर्ति तो है ही। तो हम और आप बहुत सारे लोग सरदार पटेल को निश्चल तरीके से उनका सम्मान करेंगे, लेकिन वो एक तरह से वो एक डिज़ाइन है जो उसने एक पत्थर की तरह बना दी गई है कि जो आपकी फेक समझ है हिस्ट्री की वो उसका कल्मिनेशन है। तो इस प्रोसेस में वो मूर्ति बनी है, मुझे उससे उससे ज़्यादा समस्या होती है। ऐसे उनकी मूर्तियों की कोई कमी नहीं है, और भी ऊंची बन सकती है, वो ऊंचे कद के नेता ज़रूर थे। तो बहुत तरह के आपके साइकोलॉजिकल, अगर आप अलर्ट नहीं रहेंगे तो, मैं जल्दी एक बात ख़त्म कर देता हूँ कि लोकतंत्र में सूचना और समझ का बड़ा रोल है। अगर ये चीज़ नहीं है आपके पास तो आप एक गुलाम से भी बदतर हैं। अगर सूचना पहुंचने के माध्यम फेक हो जाएं और सूचनाओं को ही फेक कर दिया जाए तो फिर आप एक नागरिक के रूप में परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि 150 साल की आज़ादी की लड़ाई हमने इसलिए लड़ी थी कि हम अपनी स्थिति समझ और सूचना के स्तर पर गुलाम वाली बना लेंगे। तो सावधान रहिएगा, ये हंसने या मजाक करने की चीज़ नहीं है, ये किसी सरकार के आने और जाने से नहीं है, ये किसी के बड़े स्केल पर करने या किसी के छोटे स्केल पर करने की चीज़ नहीं है। ये जो आपने अपनी आज़ादी हासिल की थी कि तरह तरह के तर्कों और संदर्भों से आप सोचेंगे, उसको समाप्त करके एक सुरंग में आपको ठेलने की कोशिश है। अगर आपको सुरंग में जाना इतना अच्छा लगता है तो आपको मुबारक, मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं इतना जोखिम लेके आपको बता रहा हूँ कि आने वाले दिन अच्छे नहीं हैं।